नाइन्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 12 साउंड स्टार्ट कर रखा था। फिजिक्स का अपना ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उससे पहले हमने क्या क्या किया था, साउंड के बारे में सीखा था, वेव एंड ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन, ये सारे वर्ड हम कर चुके थे। फिर हमने निकाला था फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। फ्रिक्वेंसी क्या होता था, टाइम पीरियड का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। आपने नाइन्थ क्लास में इसको पढ़ेंगे हम। एट्थ क्लास में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, हमारे पास ऐसे कोई भी सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आएगी किसी एंगल से तो वो मुड़ जाएगी, और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। तो ये जो लो है वो सिर्फ लाइट की वेव के लिए नहीं है, ये हर वेव के लिए है, ठीक है। तो ये हमारे पास साउंड के अंदर भी वैसे का वैसे ही चलता है, यानी कि साउंड आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है कि साउंड आएगी, टकराएगी और मुड़ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे लाइट के अंदर हमारे पास था, जैसे हमारे पास होते थे लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल, उसी तरह से हमारे पास साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी होते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या करेंगे, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर यहाँ से हमारे पास लेट से 100 इंटेंसिटी की साउंड आ रही है तो यहाँ पर वापस 100 की ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा यहाँ पे कम ही आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। आपने सुना है आवाज़ गूंजती है जो, तो आवाज़ का गूंजना किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। साउंड जाएगी, टकराएगी किसी ऑब्स्टेकल के साथ, फिर वापस आ जाएगी। आपने जो बोला आपको पहले उसी टाइम सुन गया जो हमने बोला है, फिर वही चीज़ थोड़ी देर बाद सुनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवाज़ का गूंजना, ठीक है। उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक वर्ड है एको। एको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। और ये रिपीटिशन हो किसकी वजह से रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो साउंड है वो जाके टकरा के वापस आती है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता लग गई। उससे पहले हमारे पास एक चीज़ और है, वो है स्पीड ऑफ साउंड, जिसका हम कर चुके थे पहले ही। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था, वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड और वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, तो सॉलिड में उसकी स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी, तो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर उससे कम, और गैसेस में सबसे कम। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं इसका, तो गैसेस में सबसे कम, उसके बाद लिक्विड में, एंड सबसे ज़्यादा होती है वेलोसिटी इन सॉलिड्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम के अंदर होती है साउंड की स्पीड, लेकिन हमको वो वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, आप बस इसमें दो वैल्यूज़ याद रखना कि एयर के अंदर हम यूज़ करते हैं 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है 20 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस जो कि अपना रूम टेम्परेचर है उसमें हम 344 लेते हैं, ओके। लिक्विड में हम वाटर की याद कर लेते हैं, ये होती है लगभग 1531 मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए सॉलिड और लिक्विड में कितना ज़्यादा फर्क आ गया, ठीक है ना, कितने गुना फर्क हो गया, लगभग 5 टाइम्स हो गया, ठीक है, लगभग 5 गुना फर्क हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड के अंदर से जाएगी तो स्पीड साउंड की बढ़ जाएगी, इज दिस ओके। और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है हमारे पास सॉलिड में, आप सॉलिड के लिए भी चलिए ये याद रख लीजिए, वेलोसिटी एल्यूमिनियम के अंदर होती है 6432, लगभग 6430 भी आप ले सकते हो इसको, एग्जैक्ट वैल्यू है 6432 मीटर पर सेकेंड, ओके। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है एक तो डेंसिटी पर, ठीक है, और एक उसकी स्टेट पर। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो साउंड कम हो जाएगी, ठीक है, और डेंसिटी कम है तो ज़्यादा हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी बाकी मेटल्स के मुकाबले कम होती है तो उसके अंदर स्पीड इतनी है, ठीक है। आयरन के अंदर स्पीड लगभग 5900 के आसपास होती है, ओके। तो सब वैल्यूज हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी मैक्सिमम इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे कम होती है सल्फर डाइऑक्साइड में, सबसे कम होती है सल्फर डाइऑक्साइड में 213 के आसपास, ओके। तो ये एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, और आप इसको देख सकते हैं, लेकिन याद करने की हमें उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमें साउंड का पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम गैसेस में होगी, ओके। एक बार इस चीज़ को नोट कर लो, ओके। तो हम एको कर रहे थे, एको था रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है
तो साउंड टकरा के हमें वापस सुनाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा, ये कोई सोर्स है साउंड का, मान लीजिए यहाँ पर आप ही खड़े हो, आप बोल रहे हो, आपने जो बोला आपको उसी टाइम सुनाई देगा, फिर साउंड जाएगी एक ऑब्स्टेकल से टकराएगी, सामने दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और वापस आएगी। ठीक है, तो आपको वही साउंड दोबारा सुनाई देगी। अब इसके अंदर हमारे पास जो है एक डाटा आता है जो हमें याद रखना है, वो है ह्यूमन ईयर सेंसिटिविटी। तो ह्यूमन ईयर जो है उसकी सेंसिटिविटी है 0.1 सेकेंड, यानी कि अगर साउंड 0.1 सेकेंड से पहले आ गई तो ईयर को पता नहीं चलेगा कि साउंड टकरा कर वापिस आई है, उसको लगेगा कि वही साउंड दोबारा सुनाई दी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा तो हमारे ईयर को पता लग जाएगा साफ साफ। तो ह्यूमन ईयर जो है 0.1 सेकेंड में रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अगर उससे लेट होगा तो हमें पता लग जाएगा, अदरवाइज हमें रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका पता नहीं चलेगा। तो ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी 0.1 सेकेंड, अगर इससे कम टाइम में साउंड टकरा कर वापिस आ गई तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ओके, तो ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी हमें पता लगा 0.1 सेकेंड है। अच्छा, अब साउंड को जाने के लिए मान लेते हैं डी डिस्टेंस लगा, तो वापस भी डी ही आएगा क्योंकि हम वहीं पर खड़े हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया साउंड ने, 2D। अब नॉर्मल हम जो है एयर में सुन पाते हैं, वाटर में तो सुन नहीं पाते। वेलोसिटी एयर में कितनी थी, 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ह्यूमन ईयर को कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड। हमें फॉर्मूला पता है यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 2D, तो वैल्यू रखिए 2D इज इक्वल्स टू वी टी, 2 एज इट इज, डी एज इट इज, वी की वैल्यू 340 मल्टीप्लाई 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 2 उसके नीचे जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आई, 34/2, दैट इज 17 मीटर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्स्टेकल हमसे 17 मीटर या उससे ज़्यादा दूर है तो साउंड को आने में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमें एको सुनाई देगी। ठीक है, रिपीटेशन सुनाई देगी। तो ऐसा ही होता है जब हम किसी खाली कमरे में जाते हैं जहाँ पे फर्नीचर वगैरह नहीं होता, तो साउंड वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, एक बार उस दीवार से, एक बार उस दीवार से, और वो 17 मीटर का उसका डिस्टेंस होने के बाद अगर अपने कान में पड़ रही है तो हमें आवाज़ गूंजते हुए सुनाई देती है। ठीक है, तो दिस इज एको। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एको, तो उसके अंदर आपको इस डेरिवेशन को करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ह्यूमन ईयर कैन रिस्पॉन्स इन 0.1 सेकेंड, तो बिफोर 0.1 सेकेंड वी कांट हियर द रिफ्लेक्शन, द रिपीटिशन। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.1 और एग्जैक्ट 0.1, सो वी कैन हियर द एको। ठीक है, तो 17 मीटर का डिस्टेंस कम से कम चाहिए एको सुनने के लिए। आवाज़ जो गूंजती है आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाते हैं, पहाड़ों पर एक बार चिल्लाते हैं 4 बार आवाज़ आती है, तो किसकी वजह से है, एको की वजह से ही है। ठीक है, इज दिस ओके, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवरबरेशन। रिवरबरेशन होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मल्टीपल एको आप इसको बोल सकते हो जब हमें एक ही आवाज़ 3-4 बार सुनाई देती है, उससे ज़्यादा बार सुनाई देती है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है ना, जब आप एक बार चलाते हो आपको वही आवाज़ दो तीन बार सुनाई देती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रसिस्टेंस ऑफ साउंड। प्रसिस्टेंस ऑफ साउंड मतलब एक ही चीज़ का बार बार आभास होना। ठीक है, तो एक बड़े हॉल में जब हम हैं तो वहाँ पर जब हम बोलते हैं तो हमें एक चीज़ 2-3 बार सुनाई देती है, तो इसका किसकी वजह से होता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इज जस्ट मल्टीपल एको, यू कैन से इट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, लेकिन 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए तो हम इसको मल्टीपल एको भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल एको इज रिवर्बरेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम कहाँ फील करते हैं, आप इसको बड़े बड़े होल्स में यूज़ कर फील करते हैं, और भी मतलब जहाँ पर भी खुला एरिया होगा ना वहाँ पर हम इस चीज़ को ज़्यादा फील कर पाएंगे। अब हमारे पास देखो जो रिवर्बरेशन है इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, तो इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ठीक है, तो हम इसके देखिए फ़ायदे कहाँ कहाँ उठाते हैं, क्या हम इसके कुछ फ़ायदे उठाते हैं, तो आंसर है बिल्कुल उठाते हैं। मेगाफोन, मेगाफोन एक तरह का स्पीकर है, इस तरह से आपने इसको देखा होगा, जब हम यहाँ से बोलते हैं, आप घर पे बनाते हो, क्लासेस में आपने किया भी होगा ऐसे, कागज नोटबुक को मोड़ कर उसके अंदर से आवाज़ लगाई होगी, तो इसमें क्या होता है हम बोलते हैं तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और हमें ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, उसी तरह से जो डॉक्टर का ईयरफोन बोलते हैं हम इनको, स्टेथोस्कोप। ठीक है, डॉक्टर का ईयरफोन इज़ नॉट अ गुड वर्ड फॉर दिस, सो आप इसको यूज़ करना चाहें तो इट्स योर चॉइस। स्टेथोस्कोप भी हम इससे यूज़ करते हैं और हॉर्न्स यूज़ करते हैं, मैं इनको लिख देता हूँ एक बार,
मेगाफोन्स, हॉर्न, स्टेथोस्कोप, इन सब में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप में क्या होता है, वो एक पतली सी पाइप होती है डॉक्टर्स के पास, इसको ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो साउंड को एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर आवाज तो पहुंचेगी नहीं ना, तो इसको हम बनाते हैं साउंड रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस का। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इसके जो आगे लगा होता है साउंड कलेक्टर, जैसे उसके अंदर से आवाज जाएगी तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पर वो जो उनके पास होते हैं अलग से ईयरबड्स, तो वहाँ से वो आराम से इसको सुन पाते हैं, काफ़ी टाइम मैग्नीफाई हो जाती है वो। ठीक है, यू कैन से कि उसका थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हालांकि आवाज़ की अमाउंट तो उतनी है, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। इज दिस ओके? ठीक है, मेगाफोन में इसको यूज़ करते हैं हम, और हॉर्न्स में यूज़ करते हैं, एक साउंड बोर्ड होता है, साउंड बोर्ड के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, साउंड बोर्ड। देखिए इसमें क्या होता है, ये होता है जब हम किसी हॉल में होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, ऐसे पीछे की तरफ सीलिंग को कर्व कर दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी स्टेज प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर जैसे इस तरह से स्टेज लगी है और यहाँ पर ऑडियंस के बैठने की जगह, ठीक है, तो जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर का जो फेस होता है वो इस तरफ होता है। ठीक है, स्पीकर का फेस आर्टिस्ट की तरफ होता है, जो भी दो तीन स्पीकर लगे हुए हैं उनका फेस आर्टिस्ट की तरफ होता है, और आपके मन में आया भी होगा कि आर्टिस्ट को थोड़ा ना सुनाना है, हमें तो ऑडियंस को सुनाना है, तो ऑडियंस की तरफ स्पीकर क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि यहाँ पर जैसे ही साउंड जाएगी तो इसकी वजह से पूरे हॉल में इक्वली फैल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम साउंड बोर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, इज दिस ओके? तो ये थे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्बरेशन। अच्छा, रिवर्बरेशन हमेशा ही अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, इसके नुकसान भी है, क्योंकि एक ही आवाज़ को हमें तो एक ही बार सुनना हो, एक वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा अजीब सा, एक अजीब सी फीलिंग आती है जब हम इसको सुनते हैं बार बार, तो हम चाहते हैं कि रिवर्बरेशन कम से कम हो। तो रिवर्बरेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आंसर है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, साउंड एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस या मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने सिनेमाज में देखा है, सिनेमाज के में क्या होता है, कपड़ा लगा होता है साइड में। ठीक है, हर तरफ चारों तरफ कपड़ा ही होता है, उनकी सीट के जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी कपड़ा होता है। ठीक है, उस कपड़ा क्या होता है, वो एकदम से खुरदरा खुरदरा कपड़ा होता है, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही क्या होता है, साउंड का रिवर्बरेशन कम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो मैंने ये माइक लगा रखा है, इसमें माइक के ऊपर ये ऊपर फोम वाला है। ठीक है, ये फोम क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा साउंड को, जिसकी वजह से सिर्फ मेन साउंड इसमें आती है, जिसकी वजह से वॉइस थोड़ी सी क्लियर रहती है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको हटा देता हूँ और डायरेक्ट सिर्फ इस माइक में बोलता हूँ तो आवाज़ में काफ़ी फ़र्क आएगा। ठीक है, आप इसको हो सकता है अभी फील भी कर रहे हो, और इसको लगाने के बाद काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम रफ सरफेस लगा देते हैं उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो रिवर्बरेशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस को रफ कर देते हैं। ठीक है, अगर एकदम प्लेन सरफेस है, खुरदरा नहीं है, तो साउंड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन कम से कम हो। ठीक है, तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का छोटा सा टॉपिक था।